दोस्तों 1986 में गोविंदा की पहली मूवी आती है इल्जाम और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है लव 86 और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है तन बदन और ये मूवी हिट रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आती है सदा सुहागन और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है ड्यूटी और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1987 में इनकी मूवी आती है दादागिरी और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है प्यार करके देखो और ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आती है मेरा लहू और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है मरते दम तक और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है खुद गर्ज और ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आती है सिंदूर और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आती है दरिया दिल और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 1988 में गोविंदा की मूवी आती है घर में राम गली में श्याम और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आती है प्यार मोहब्बत और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है हत्या और ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है घर घर की कहानी और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है तोहफा मोहब्बत का और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आती है जीते हैं शान से और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है जलाकर राख कर दूंगा और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 1989 में इनकी मूवी आती है सच्चाई की ताकत और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आती है दोस्त गरीबों का और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। वैसे ये मूवी अच्छी थी। इसके बाद इनकी मूवी आती है दो कैदी और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है आसमान से ऊंचा और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आती है फर्ज की जंग और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आती है गैर कानूनी और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है बिल्लू बादशाह और ये मूवी हिट रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आती है जैसी करनी वैसी भरनी और दोस्तों ये मूवी हिट रही। वैसे बात तो सही है, इस समाज में आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करना। इसके बाद गोविंदा की मूवी आती है ताकतवर और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है जंगबाज और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आती है घराना और ये मूवी हिट रही। इसी साल गोविंदा की मूवी आती है जेंटलमैन और ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आती है पाप का अंत और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आती है आखिरी बाजी और ये मूवी फ्लॉप रही। 1990 में इनकी मूवी आती है महासंग्राम और ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आती है तकदीर का तमाशा और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आती है नया कानून और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आती है इज्जतदार और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1990 में इनकी मूवी आती है स्वर्ग और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। दोस्तों ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वैसे इस मूवी को किस किसने देखा है जल्दी से कमेंट में बताइए। इसके बाद गोविंदा की मूवी आती है काली गंगा और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है अपमान की आग और ये मूवी हिट रही। 1991 में इनकी मूवी आती है हम और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आती है कर्ज चुकाना है और दोस्तों ये मूवी हिट रही। मैं तो कहता हूँ कर्ज लो मत। इसके बाद इनकी मूवी आई कौन करे कुर्बानी और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आई भाभी और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। वैसे ये मूवी भी काफी बढ़िया थी। इसके बाद इनकी मूवी आई रईस ज्यादा और ये मूवी सुपर हिट रही। 1992 में इनकी मूवी आई शोला और शबनम, दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आई जान से प्यारा और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है राधा का संगम और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है जुल्म की हुकूमत और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आती है नाच गोविंदा नाच और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है बाज और ये मूवी हिट रही। 1993 में इनकी मूवी आई आंखें और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मुकाबला और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जख्मों का हिसाब और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आती है आदमी खिलौना है और दोस्तों ये मूवी हिट रही। वैसे देखा जाए तो आदमी सच में खिलौना है। इसके बाद इनकी मूवी आती है भाग्यवान और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आती है तेरी पायल मेरे गीत और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 1994 में इनकी मूवी आई राजा बाबू और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दुलारा और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आई प्रेम शक्ति और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई खुद्दार और ये मूवी सेमी हिट रही।
रही। इसके बाद इनकी मूवी आई इक्का राजा रानी और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई आग और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई ब्रह्मा और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बेटा हो तो ऐसा और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1995 में इनकी मूवी आई आंदोलन और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आई हथकड़ी और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई किस्मत और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आई कुली नंबर वन और दोस्तों ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। वैसे ये मूवी मुझे बहुत बढ़िया लगी। इसके बाद इनकी मूवी आई ग्लैमर और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1996 में इनकी मूवी आई साजन चले ससुराल और दोस्तों ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल गोविंदा की मूवी आई माहिर और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जोरदार और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आई छोटे सरकार और ये मूवी फ्लॉप रही। 1997 में इनकी मूवी आई हीरो नंबर वन और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। वैसे ये मूवी मुझे बढ़िया लगी थी। इसके बाद इनकी मूवी आई दो आंखें 12 हाथ और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अग्निचक्र और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आई दीवाना मस्ताना और ये मूवी हिट रही। 1998 में गोविंदा की मूवी आई बनारसी बाबू और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई आंटी नंबर वन और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आती है अचानक और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई दूल्हे राजा और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आई महाराजा और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई बड़े मियां छोटे मियां और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आई परदेसी बाबू और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आई नसीब और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 1999 में इनकी मूवी आई अनाड़ी नंबर वन और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आई राजा जी और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है हसीना मान जाएगी और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है हम तुम पे मरते हैं और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 2000 में इनकी मूवी आई हद कर दी आपने और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आई जोरू का गुलाम और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कुंवारा और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आई शिकारी और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल गोविंदा की मूवी आई जिस देश में गंगा रहता है और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। वैसे ये मूवी मुझे बढ़िया लगी थी, फिर भी ये मूवी फ्लॉप हो गई। इसके बाद गोविंदा की मूवी आई बेटी नंबर वन और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 2001 में इनकी मूवी आई जोड़ी नंबर वन और ये मूवी सुपर हिट रही। वैसे ये मूवी भी काफी बढ़िया थी। इसके बाद इनकी मूवी आई अलबेला और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आई दिल ने फिर याद किया और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल गोविंदा की मूवी आई क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आई आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। 2002 में इनकी मूवी आई प्यार दीवाना होता है और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अखियों से गोली मारे और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। अब जब ये अखियों से गोली मारेंगे तो बंदूक का क्या काम। इसके बाद इनकी मूवी आई वह तेरा क्या कहना और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद गोविंदा की मूवी आई चलो इश्क लड़ाएं और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इश्क के बहाने न जाने क्या क्या लड़ाया होगा। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। 2003 में इनकी मूवी आई एक और एक 11 और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई राजा भैया और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल गोविंदा की मूवी आई खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 2005 में इनकी मूवी आई सुख और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 2006 में गोविंदा की मूवी आई सैंडविच और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल गोविंदा की मूवी आई भागम भाग और ये मूवी सुपर हिट रही। 2007 में इनकी मूवी आई जहां जाएगा हमें पाएगा और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई पार्टनर और ये मूवी सुपर हिट रही। 2009 में इनकी मूवी आई चल चला चल और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल गोविंदा की मूवी आई लाइफ पार्टनर और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 2010 में इनकी मूवी आई रावण और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 2011 में गोविंदा की मूवी आई नॉटी एट द 40 और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई लूट और ये
मूवी फ्लॉप रही। 2013 में गोविंदा की मूवी आई दीवाना मैं दीवाना और ये मूवी सेमी हिट रही। 2014 में इनकी मूवी आई किल एंड दिल, ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई हैप्पी एंडिंग और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 2017 में इनकी मूवी आई आ गया हीरो और ये मूवी भी फ्लॉप रही। 2018 में इनकी मूवी आई फ्राइडे और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। 2019 में इनकी मूवी आई रंगीला राजा और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था गोविंदा का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी मूवी देखी है जल्दी से कमेंट में बताइए। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमको जल्दी से कमेंट में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।